तो लीजिए दोस्तों, एक दुखियारी यानी बाबा जी की भक्तिन बाबा जी के दरबार में जाने के लिए जब तैयार हुई तो उसका पति आकर के और उसे डांटने लगा, क्योंकि वो शराबी था। वो मने करने लगा कि बाबा जी के दरबार में तुम न जाओ, लेकिन वो बाबा जी की भक्तिन एक हट पड़ गई तो उसी समय उसने हाथ में डंडा ले लिया और वो मारने लगा। तो आज वो बाबा की प्यारी रो रो करके कहने लगी अपने पति से कि मैं जाऊं रत रोई धाम, अरे पिया मोए मति मारे सुधीर भैया, मैं जाऊं रत रोई धाम, सजन मोहे मति मारे हाँ मति मारे, मैं जाऊं रत रोई धाम। कहने लगी ए हाथ जोड़ कर करूं विनती, सुनो मेरे भरतार, हाँ हाथ जोड़ कर करूं विनती, सुनो मेरे भरतार, मोय लगी लालसा छड़ी बालन की, काय को करे तकरार, कंठ मोय मति मारे हाँ मति मारे, मैं जाऊं रत रोई धाम। जाऊं रत रोई धाम, पिया मोए मति मारे हाँ मति मारे, मैं जाऊं रत रोई धाम। लेकिन राय सिंह राता जी, वो पति कहने लगा वो चांडाल, अरे कहे पति ओ नार बेहूदी, सुन ले बचन हमारे, हाँ कहे पति ओ नार बेहूदी, सुन ले बचन हमारे, और जो ना बात तू माने मेरी, हम घर से होएंगे फरार, कंठ मोए मति मार हाँ मति मारे, मैं जाऊं रत रोई धाम। लेकिन प्रदीप कुमार भाई साहब, पति जब नाराज हो गया और कहने लगा अगर मुझे ज्यादा परेशान करेगी तो मैं घर से चला जाऊंगा। हाँ भैया राय सिंह, ये सुन के बचन पति अपने के नारे कहे समझाए, ये सुन के बचन पति अपने के नारे कहे समझाए, और चलियो संग हमारे सैया बाबा जी के द्वार, कंठ मोए मति मारे हाँ मति मारे, मैं जाऊं रत रोई धाम। सजन मोए मति मारे हाँ मति मारे, मैं जाऊं रत पत्नी ने कि आप अगर हमारी कही मानो तो मेरे साथ चलो, वहां चल करके उस दरबार में सारे दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि
वहाँ बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं। ए मैनपुरी से मुरारी भ्राता दर्शन करवे आवे, हाँ मैनपुरी से मुरारी भ्राता दर्शन करवे आवे। दुर्गेश्वर वा लोक बाबू वहाँ आवे सती से कुमार कंधम जवाब दिया। वहां बड़ी दूर से लोग आते हैं बाबा जी के दर्शन करने। और सुनो साजन, ए ढोले और मृतंग बजे पांचंग रही झन्नाए, ए ढोले और मृतंग बजे पांचंग रही झन्नाए। ओ नर नारी नाचे बादर पे कैसे किया जब बाहर कंठ मोए म